हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टैटिक सॉल्यूशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राउंडिंग कोड की। जैसे ग्राउंडिंग कोड क्या होता है, एक तरह का वायर होती है जो यूज कहाँ होता है, जैसे आपकी जो ग्राउंडिंग की लाइन आ रही होगी, उस ग्राउंडिंग की लाइन को आपको जब अपने मैट से कनेक्ट करना होगा तो उसके काम आता है ग्राउंडिंग कोड। ग्राउंडिंग कोड हमारे पास चार तरह के हैं जो आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो जो सबसे बड़ा जो आता है, सबसे महंगा जो होता है, ये इस तरह की पैकिंग में आता है। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग प्लग। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मल पॉलीपैक में ही आते हैं। ये इसके एक तरफ ये थ्री पिन प्लग लगा होता है, इसे आप प्लग में लगाएंगे अपनी सॉकेट में। आपके सॉकेट में जो ये वाली जहां पे लगती है उसमें ग्राउंडिंग की वायर आई होती है, तो इससे ये ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है मैट में लगाने के लिए। इसको प्लग में लगाना है, इसे मैट में लगाना है। मैट में कहाँ लगाना है, जैसे कि मैट होता है ESG मैट, इसमें बटन लगा के देते हैं हम लोग साइड में। अपने ESG मैट कहीं से भी लिया हो, टेबल के लिए या फ्लोर के लिए, तो बटन लगवाते हैं उसमें, तो उस बटन में जाके लग जाता है। इस पर ऐसे रख के बस हल्का सा प्रेस करना होता है, उसके बाद ये लग जाता है आराम से, कुछ नहीं करना होता। इसकी जो लेंथ होती है वायर की 1.5 मीटर की होती है। कलर हमारे पास ग्रीन है। बाकी अगर आपको इसको कस्टमाइज करवाना है, जैसे कि इसकी लेंथ बढ़वानी हो, या इस तरफ क्लिप लगवानी हो, क्रोकोडाइल क्लिप या पिन लगवानी हो, या इसकी लेंथ बढ़वानी हो, या फिर इसे ब्लैक कलर में करवाना, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक क्वांटिटी होगी जो मिनिमम कम से कम 100 पीस लगेंगे। 100 पीस अगर आप चाहें तो उसमें हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा ग्राउंडिंग कोड है हमारे पास वो ये है। इसको बोलते हैं बटन टू क्लिप ग्राउंडिंग कोड। ठीक है, पहला वाला बता दिया आपको, थ्री पिन कॉमन, थ्री पिन प्लग, और दूसरा ग्राउंडिंग कोड जो है ये है। ये दूसरा वाला है, इसको बोलते हैं बटन टू क्लिप B2C ग्राउंडिंग कोड। ठीक है, जैसे आपकी ग्राउंडिंग की लाइन आ रही है बाहर से, तो उसमें ले जाके सीधा आपको ये क्लिप लगा देनी है। और बाकी ये जो है इसको वही प्रोसेस से अपने मैट में, आपका टेबल मैट या फ्लोर मैट, जहाँ पे भी आपको लगना है उसको लगा दो, ये लग जाएगा, और इसको सीधा ले जाके ग्राउंडिंग वायर में लगा दो। ठीक है, इसका भी सिर्फ लेंथ जो है 1.5 मीटर आता है, कलर ग्रीन। बाकी कस्टमाइज करवाना हो, ब्लैक कलर करवाना हो, या वायर की लेंथ बढ़वानी हो, तो वो हो जाएगा, कर देंगे हम लोग, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी लगेगी मिनिमम 100 पीस की। इसके अलावा तीसरा जो है, सारे ऐसे पॉलीपैक में हम लोग करते हैं। तीसरा है B2B ग्राउंडिंग कोड। B2B मतलब बटन टू बटन, दोनों तरफ बटन लगे होंगे। बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों दो अगर मैट रखे हुए दूर दूर पे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे एक मैट ये है यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा मैट कहीं और रखा है तो वहां भी कनेक्ट कर दिया, तो ये दो मैट को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, और तीसरा जो है सेम इसी तरह का है, ये थोड़ा छोटा है। ये इसको मैट कनेक्टर भी बोलते हैं। मैट कनेक्टर मतलब जो दो मैट बिल्कुल पास पास रखे होते हैं, लेकिन जैसे वो अलग अलग मैट हैं, एक मैट एक ये है, एक दूसरा कोई और मैट, लेकिन पास पास रखे हैं, तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको ये लगता है, इसे ग्राउंड कनेक्टर या मैट कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये चार तरह के ग्राउंडिंग कोड हमारे पास होते हैं। बाकी जैसा आप चाहें तो कस्टमाइज भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ग्राउंडिंग कोड आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसमें 100 नहीं होगा। उसका रीजन ये होता है कि ये जो ग्राउंडिंग कोड है उसमें यहाँ पे 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस लगने की वजह से ये कभी भी आपको मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, बाकी ग्राउंडिंग कोड से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, आपके कोई कमेंट करना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।